नया भारत दर्पण समाचार, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। शिवसेना ने नगर पंचायत अधिकारी के खिलाफ निकाला रैली, किया जमकर नारेबाजी। शिवसेना जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में भटगांव नगर पंचायत अधिकारी के खिलाफ मोर्चा निकालकर आंदोलन किया। नगर पंचायत भटगांव में हो रहे निर्माण कार्यों की जानकारी न देने व शिवसेना की मांगों को पूरा न करने से शिवसेना अपने रौद्र रूप में आकर नगर पंचायत अधिकारी का पुतला दहन करने बस स्टैंड पहुंची, साथ ही आंदोलन रैली भी निकाली गई। शिवसेना के द्वारा जनहित के कार्यों को लेकर नगर पंचायत अधिकारी के नाम नगर पंचायत में कई बार आवेदन दिया गया, साथ ही जनहित के मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया। साथ ही तहसीलदार व जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग किया गया, परंतु उक्त आवेदन पर कोई एक्शन होते नहीं दिखा और नगर पंचायत अधिकारी के द्वारा शिवसेना के मांगों को पूरा नहीं किया गया, जिसके बाद आज नगर पंचायत भटगांव के बस स्टैंड में मधुलिका सिंह चंदेल नगर पंचायत अधिकारी का पुतला दहन आंदोलन करने रैली निकाला गया, जहां पुलिस बल की तैनाती भी देखी गई, लेकिन पुलिस बल नगर पंचायत की हितैषी बने रहे और पुलिस बल की मौजूदगी में भी नगर पंचायत अधिकारी शिवसेना के कार्यक्रम में शामिल हो गए, जिससे माहौल गर्मा गया, जिसके बाद शिवसेना के द्वारा अपने कार्यक्रम को थोड़ी दूर में किया गया, जहां पुलिस बल के द्वारा पुतला दहन करने के लिए मना कर दिया गया। भटगांव थाना प्रभारी ने कहा कि आपके आवेदन की हेडिंग में पुतला दहन नहीं किया है, इस कारण आप पुतला दहन नहीं कर सकते हैं। आज किन मुद्दों को लेकर आप मैदान पुत्री हैं? सर, शिवसेना के द्वारा अभी करीबन 4 महीने पहले से हम लोगों ने ज्ञापन दिया था और ज्ञापन इस प्रकार था कि जिब्रा पारा और कांजी हाउस है जो इनको ना लगातार ना यहाँ की जो को प्रोहिबिटेशन करके बेचा जा रहा था, तो शिवसेना ने ज्ञापन लगाया था और ज्ञापन के माध्यम से जानकारी ली जा रही थी, लेकिन जानकारी तो अभी तक नहीं हुई। 15 दिन पहले हमने और एक लेटर दिया था, उस लेटर पे कोई जवाब नहीं आया, लेकिन आज हमने 2 दिन पहले लेटर दिया था कि अगर हमें जानकारी नहीं मिलती तो हम उग्र आंदोलन करते हुए और ग्राम पंचायत के जो अधिकारी हैं उनका पुतला दहन करेंगे। और जैसे ही आज हम लोग इस भटगांव के बस स्टैंड में आए, वहाँ के अधिकारी हैं कोई सीमा करके हैं मैं नहीं जानती, वो हमारे आंदोलन के बीच में सामने आ गए। ये तो लगातार भ्रष्टाचार है, गलत है, आप अगर आंदोलनकारियों के बीच में कैसे आ सकते हैं? इनका विरोध था, विरोध के फलस्वरूप इन्होंने 15 दिन पहले जो है कलेक्टर साहब को आवेदन किए थे, इनके द्वारा गलत गलत काम किया जा रहा है, इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी मांगे पूरी नहीं की जा रही है। इस बाबत गगन वैष्णो ने कल शाम को थाना में सूचना दिया था कि हमको बल प्रदान किया जाए, परंतु इसने ये सूचना नहीं दिया था कि क्या कहते हैं कि इसमें अब पुतला दहन किया जाएगा, इस हेडिंग से नहीं दिए थे, परंतु नीचे विवरण में लिखे थे कि हमने 15 दिन पूर्व कलेक्टर साहब को अवगत कराया है और ये हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम इस तारीख को 25 तारीख को बस स्टैंड में मधुलिका सिंह का पुतला दहन करेंगे। रैली के साथ मैं आया था यहाँ पे, इनका कार्यक्रम शांतिपूर्वक चला है, कोई अप्रिय बातें नहीं हुई है। अभी नगर पंचायत अधिकारी जो है इन लोगों के कार्यक्रम में शामिल हो गए, इनका कार्यक्रम बस स्टैंड में चल रहा था, मधुलिका सिंह भी जो है मतदाता जागरूकता रैली के रूप में अपने क्या कहते हैं पार्षद अन्य महिलाओं और पुरुषों के साथ आई थी। इस खबर में बस इतना ही, देखते रहे नया भारत दर्पण समाचार।